शाहरुखी के केंद्र कर बॉलीवुडे आसछे नतून छवि दुकान। छबिर परिचालनाय सिद्धार्थ सिंह एवं गरिमा वाहाल। एटी तादेर परिचालनाय प्रथम छवि होलेओ एर आगे तारा रामलीला, रफ्तार, टॉयलेट एक प्रेम कथा, कबीर सिंह, पद्मावत, एनिमलर मतो छबि चित्रनाट्य लिखेछेन एई जुटी। दुकान छबिते गुरुत्वपूर्ण चरित्रे रयेछेन बांगलार दुई जनप्रिय मुख सोहम मजुमदार एवं मोलाली ठाकुर। एछाड़ाओ छबिते अभिनय करेछेन सिकंदर खेर, मनिका पानवार, ब्रजेश हिरजी सह आरो अनेके। दुकान छबिर गल्प एमन एकटि ग्रामके निये जेखाने महिलादेर प्रधान पेशा सारोगेसि। एकजन सरोगेट मायेर आबेग ताके परिचिति देवा एई समस्त विषयकेई तुले धरा हबे छबिते। 5ই এপ্রিল বড় পর্দায় মুক্তি পাবে দোকান। মুক্তির আগে ছবির প্রচারের জন্য শহরে এসে হাজির হয়েছেন ছবির পরিচালক সিদ্ধার্থ সিং এবং গরিমা ওয়াহাল। তাদের প্রথম ছবি নিয়ে কি বললেন তারা, শুনবো তাদের মুখেই। सरोगेसी बन चुकी है पिक्चर, लेकिन कमर्शियल सरोगेसी, व्यावसायिक सरोगेसी जिसे कहते हैं, जहां पूरा एक बिजनेस है। इट्स अ 13 करोड़ इंडस्ट्री बेस्ड इन आनंद। इट वॉज, अब तो बैन हो गया कमर्शियल सरोगेसी। तो ये फिल्म उसको दिखाता है, वो हिंदी सिनेमा में या इंडियन सिनेमा में कभी दिखाया नहीं गया है पहले। तो ये पहली ऐसी फिल्म होगी जो उस बिजनेस को, उन 750 औरतें जो एक साथ रहती हैं, उस विजुअल को क्रिएट करेगा और आप बड़े पर्दे पर देख सकते हैं उसको। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सालों पहले एक फिल्म आई थी फिलहाल, जिसमें शायद सुष्मिता सेन थी और उसमें भी सरोगेसी की बात हुई थी, लेकिन वो कमर्शियल सरोगेसी नहीं थी। तो दुकान कह के ही हम आपसे सबसे पहले अपने आप को अलग कर रहे हैं उन बाकी सब फिल्मों से। बात यही है कि हम कहना चाहते हैं कि क्या होता है जब इसका बिजनेस किया जाता है। सो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बना सकते थे, फिक्शन फिल्म बनानी थी, एंटरटेनिंग। लेकिन इतना है कि ये फिल्म देखने के बाद इट विल बी क्लियर टू एवरीवन दैट व्हाट एग्जैक्टली कमर्शियल सरोगेसी इज, कैसे इसकी मैकेनिक्स क्या होती हैं, हाउ डज अ कपल अप्रोच अ डॉक्टर, व्हाट डज अ डॉक्टर डू देन, हैज़ IVF बीन कंसिडर्ड एज एन ऑप्शन, एंड इफ दैट ऑप्शन वॉज नॉट देयर, द कपल स्टिल फील्स दैट द चाइल्ड शुड लुक लाइक अस, इट शुड हैव अ जीन्स, देन व्हाट डू दे डू, देन दे गो टू अनदर वुमन, द वुमन इज कमीशन विद अ कॉन्ट्रैक्ट, लाइक अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट टू हैव अ चाइल्ड फॉर देम। It's only, nobody has to sleep with anybody. It is only by way of an injection that the woman is implanted and the baby is born and taken away. Yeah, simple as that. And nobody is forced to do this. The couple wants the child, the doctor wants to do this, the surrogate wants to do this. So nobody, there is no application of force. Aisa koi nahi bol raha hai ki unka shoshan ho raha hai auraton ka. Unka to in fact ghar chal raha hai. Unka to ye, unke ghar mein shayad... या सो वो जो जैसे गवर्नमेंट ने बैन लगाया है कि हिंदुस्तानी औरतों का शोषण हो रहा है, हम लोग बिल्कुल उसको उस तरह से नहीं देखते हैं और वैसा देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कितने लोगों का घर चलता है इससे। 4 से 5 साल रिसर्च में लगाए हैं, मल्टीपल स्टेजेस पे बार बार जाते रहे हैं हम गुजरात, क्योंकि वहाँ पर जैसे ये चेंज होती रही इंडस्ट्री, बहुत लोग इसमें ऐड होते गए, बहुत फॉरनर्स आते थे वहाँ पर, तो हमको बार बार जाना पड़ा इसीलिए। तो इसलिए अराउंड 4 to 5 years ऑफ रिसर्च जी। हम लोगों की शुरुआत हुई रामलीला के साथ, जो संजय लीला भंसाली के साथ थी। तो हम लोगों ने उसमें स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, लिरिक्स सभी कुछ किया था। उस वक्त गुजरात में रहने का एक मौका मिला, कच्छ जाके हम लोगों ने रिसर्च की थी उस फिल्म की। रिसर्च हमारे राइटिंग का एक पार्ट, एक प्रोसेस रहा है। टॉयलेट एक प्रेम कथा भी हम लोगों ने की है, उसमें हमने यूपी, मथुरा में काफ़ी रिसर्च की, झांसी गए कि ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है। तो हमें ऐसा लगता है कि बॉम्बे में बैठ के खाली हम लोग स्क्रिप्ट नहीं बना सकते हैं, हमें मज़ा आता है कि हम रियल ऑन ग्राउंड जाके असली जगह से माल निकालें, मसाला निकालें, क्योंकि उससे बेटर ना कहानी कोई बनी नहीं सकती जो हमें रियल लाइफ से मिलती है। तो दैट्स बीन आवर इंस्पिरेशन। तो सेम थिंग आई वुड लाइक टू से कि यहाँ जितनी भी हमने फिल्म बनाई सब रिसर्च बेस्ड रही, और हमको लगता है कि एक सोशल सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सोशल मुद्दा हर फिल्म में हमको टच करना अच्छा लगता है। दैट्स आवर पर्सनल चॉइस, क्योंकि हमको लगता है सिनेमा इज़ अ बिग मीडियम टू इम्पैक्ट सोशल चेंज, सो व्हाई नॉट यूज़ इट एज अ मीडियम।